हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल का हलवा। मूंग दाल का हलवा भी जैसे हम आटे का हलवा, सूजी का हलवा, बेसन का हलवा बनाते हैं, वैसे ही हम मूंग दाल का हलवा भी बना सकते हैं। मूंग दाल का हलवा हम दो तरीके से बनाते हैं। एक तो मूंग दाल को हम भिगो कर बनाते हैं और दूसरा बिना भिगोए हम मूंग दाल का हलवा बनाते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिना दाल को भिगोए मूंग दाल का हलवा जल्द से जल्द आप कैसे बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए मूंग दाल का हलवा बनाना शुरू करते हैं। पहले हम बाउल में 200 ग्राम मूंग दाल लेंगे। मूंग दाल को अच्छे से मसल कर धो लें। दाल को धोने के बाद दाल में से सारा पानी निकाल दें। और देखिए यहाँ पर हमने मूंग दाल को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। यहाँ पर मैं कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। कढ़ाई में हम धोई हुई मूंग दाल को डाल देंगे। इस तरह से दाल में स्पैचुला चलाते हुए धीरे धीरे दाल को धीमी आंच पे सेकें। इस तरह से दाल को भूनते हुए आपको 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। जब दाल इस टाइप से अच्छे से ब्राउन कलर की हो जाए तब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। देखिए यहाँ पर दाल हमारी ठंडी हो गई है। अब हम दाल को मिक्सी में पीस लेंगे। दाल को दरदरा नहीं रखना है, बिल्कुल महीन पाउडर तैयार करना है। महीन पीसेंगे उतना ही हलवा अच्छा बनकर तैयार होगा। और देखिए दाल का बिल्कुल महीन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम हलवा बनाने की तैयारी करते हैं। हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैं कढ़ाई में देसी घी ले रही हूँ। देसी घी में यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच काजू, 1 बड़ा चम्मच बादाम और 1 बड़ा चम्मच पिस्ता ले रही हूँ। इन सभी को मैंने लंबाई में काट लिया था। देसी घी में हल्का हल्का सा सेक लें। इस तरह से घी में ड्राई फ्रूट्स को भूनने से इनमें से कच्चापन चला जाएगा और हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। और देखिए यहाँ पर काजू बादाम पिस्ता हल्का सा भुन गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में 1 बड़ी कलछी देसी घी और लेंगे और इसमें मूंग दाल का तैयार किया हुआ पाउडर डाल देंगे और तब तक पाउडर को घी में भूनेंगे जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। हलवा बनाते समय गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब हम 1 बड़ा चम्मच सूजी डालेंगे। सूजी डालने से मूंग दाल का हलवा जो है जलता नहीं है, क्योंकि मूंग दाल का हलवा बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो सूजी के साथ बेसन भी डाल सकते हैं, पर मैं बेसन नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सूजी को अच्छे से दाल के साथ मिक्स कर दें। इसी तरह से कलछी से हलवे को चलाते रहें, लगातार चलाते रहें। दाल घी में अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें 1/2 गिलास पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद 1/2 गिलास हम दूध डाल देंगे। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो सिर्फ पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे हम पानी और दूध डालेंगे तो हलवा हमारा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। इस समय गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। जब इस तरह से हलवा आपका इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए तब हम इसमें 2 कप डाल देंगे चीनी। आप चाहे तो पीसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। जैसे ही हम चीनी डालेंगे हलवा हमारा पतला हो जाएगा, तब हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए हलवे को पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक हमारा हलवा जो है फिर से इकट्ठा होना ना शुरू हो जाए। और देखिए यहाँ पर हमारा हलवा इकट्ठा हो गया है। यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच किशमिश डाल रही हूँ। मैं रोस्ट नहीं किया था क्योंकि अगर हम घी में थोड़ा सा सेकेंगे किशमिश को तो थोड़ी सी जल जाती है, जिससे हलवे का टेस्ट जो है ख़राब हो जाता है। बिना सेके हम किशमिश डालेंगे और भुना हुआ ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से हलवे में मिक्स कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, बिना दाल को भिगोए हमारा मूंग दाल का हलवा बनकर तैयार हो गया है। कितना बढ़िया हलवा हमारा बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।